पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सपा नेताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। थाने से मात्र चंद कदमों की दूरी पर सपा नेताओं ने रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। जनपद के थाना ठाकुर द्वारा में सीओ कार्यालय से 50 कदम दूर सपा नेताओं की गुंडाई सामने आई है, जिन्होंने ई रिक्शा चालक को बुरी तरह पीटते हुए युवकों की कारतूस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ई रिक्शा चालक तिकोनिया से सवारी उठाकर नगर में छोड़ने आ रहा था, तभी वहां से गुजर रहे स्कूटी सवार सपा नेता के भांजे की कहासुनी ई रिक्शा चालक से हो गई। इसी वजह से सपा नेता ने अपने करीब 10 दबंग सपा कार्यकर्ताओं के साथ ई रिक्शा चालक को ढूंढकर उसको लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी। दबंगों की दबंगाई से साफ देखा जा सकता है वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने ई रिक्शा चालक को बचाने की हिम्मत नहीं की। उसके बावजूद भी ई रिक्शा चालक को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में युवा सपा नेता अख्तर एडवोकेट विधानसभा ठाकुर द्वारा के विधायक नवाब जानकार के करीबी बताए जा रहे हैं। इसी के चलते अक्सर दबंगाई दिखाते हैं। पुलिस का कहना है सीसीटीवी को खंगाल रहे हैं, उन्हें पहचान कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मेरी गाड़ी आ रही थी उधर से, मैं लेकर आया तो जो है ना, उन्होंने इनके भैया जी की वो जा रही थी स्कूटरी, ये ना धुन ले आ रहे थे, तो मैंने क्रॉस करी। मेरी गाड़ी की कोई गलती नहीं है ना मेरी कोई गलती है। इन्होंने जो ब्रेक मारे ना तो इनकी गाड़ी खिचड़ गई, गिर गई है। इन्होंने आते ही ना मेरे दो थप्पड़ मार दिए। अभी इन्होंने दो थप्पड़ वहाँ पे सबने बीच में चला भी मारा है, लेकिन ये नहीं माने। देखिए फुटेज दिखाई गई है जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को मारा पीटा जा रहा है, तो इस संबंध में फुटेज की जांच कराई जा रही है कि वो व्यक्ति कौन है और जिस व्यक्ति से मारपीट हो रही है वो कौन है और किस बात को लेकर इनकी मारपीट हुई है। इसमें जो भी मारपीट करने वाले व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा।